देश की राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में प्रदूषण से मामूली राहत के बीच आज सुबह कई इलाके जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटे दिखे। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में धुंध की मोटी परत छा गई है। धुंध की मोटी परत के चलते दिल्ली NCR में विजिबिलिटी दर में काफी कमी हो गई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता 337 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली NCR की हवा अभी भी सेहत के लिए हानिकारक बनी हुई है। वहीं दिल्ली में सर्द हवाओं का भी असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान औसत से 1 डिग्री कम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह हल्की हवा के साथ ठंडक महसूस की गई। दिल्ली के साथ नोएडा में भी धुंध का असर देखा गया। दिन में वाहनों की लाइटें जलती दिखी। गौरतलब है कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए 9 नवंबर से प्राथमिक कक्षाओं को फिर से खोलने और अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश को रद्द करने का फैसला किया था। हालांकि ग्रैप के फेज 3 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों का दिल्ली की सड़कों पर प्रतिबंध जारी है। वहीं सर्द होते मौसम और दूषित हवा के बीच यहां की जनता को फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।